अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपको सब मीटर के कनेक्शन के तरीका बताएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनके पॉइंट कौन से कॉमन हैं, कहाँ पर फेज लगेगी और कहाँ पर न्यूट्रल। अब हम इसे मीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी। तो अब हम इसे सीरीज बोर्ड की मदद से चेक कर लेंगे कि इसके पॉइंट से कौन से पॉइंट मिले हुए आपस में। सबसे पहले सीरीज बोर्ड को ऑन कर लेंगे। तो अब हम इसके पहले दोनों पॉइंटों पर लगाएंगे और अगले दो पर लगाए आप देखें और आखिरी दो पर। तो यानी कि पहले दो पॉइंट आपस में मिले हुए हैं और आखिरी दो। तो इसके पहले दो पॉइंट फेज इन आउट हो गए और दूसरे पॉइंट न्यूट्रल इन आउट हैं, यानी कि पहला और दूसरा फेज इन तरतीबाइज आउट और तीसरा न्यूट्रल इन, चौथा न्यूट्रल आउट। तो अब हम इन सक्रियों को खोल लेंगे। तो इसका तरीकाकार यह है कि इस पर सबसे पहले लोड डाला जाए और फिर एसी सप्लाई दी जाए। तो अब हम एसी बोर्ड के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये फेज आउट दे रहे हैं। और अब इसी तरह ये न्यूट्रल आउट हो गई इस बोर्ड की। इसके टू और फोर पॉइंट आउट हैं फेज और न्यूट्रल तरतीब वाइज। और अब हम इसी तरह इसका फेज इन लगा लेंगे फर्स्ट पॉइंट पर इसके। और इसी तरह हम इसका न्यूट्रल इन लगा देंगे। क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो इस वजह से मैंने एक तार का पीस यहाँ पर लगा दिया ताकि ये लाइट जल जाए। तो अब मैंने इसे एसी सप्लाई दे दिया ये। तो ये देखिए मीटर चल गया। तो अब हम इस पर मज़ीद कुछ और लोड चला कर भी आपको दिखा देते हैं। सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोड डालेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। ये जितना ज़्यादा लोड होगा इतना ये तेज़ी से ब्लिंक करेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।